मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। सो फिजिक्स के आज फिर दो चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के लिए इन चैप्टरों से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे कि इनसे क्या पढ़ा जाए और किसमें न्यूमेरिकल लगाने हैं और किसमें न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसमें, और दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इनको नेग्लेक्ट करने को नहीं कहूँगा। आपको इन्हें कंपलसरी है पढ़ना। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हो गया है कि मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले चैप्टर मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको याद करना है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? H इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट माइनस आई। ये आपको फॉर्मूला, देखिए मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ, आपको छोटा सा काम करना, क्या डेफिनेशन पढ़ लेना। और बाई चांस मैं फॉर्मूले इसलिए लिखा रहा हूँ कि बाई चांस हो सकता है कि एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं याद आ रही होगी, तो उस समय आपको क्या कर देना है, इसी रिलेशन को अपने वर्डों में लिख देना है। ठीक है, इन्हीं रिलेशनों को ही अपने वर्डों में लिख देना है कि जहाँ पर बी ये है, म्यू नॉट ये है, आई ये है और एच ये है, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कम से कम आपका फॉर्मूला तो सही होगा। तो अगर एक या दो मार्क्स का होगा तो कम से कम आधे मार्क्स तो मिल सकते हैं, इसलिए मैं उन सबके फॉर्मूले आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेफिनेशन देने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर रखा हो, मेरी डेफिनेशन और आपकी डेफिनेशन डिफरेंट हो तो उसमें कॉम्बिनेशन बहुत गलत बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप सिर्फ वीडियोस को देखते जाइए और फॉर्मूले याद करते जाइए। फॉर्मूले याद रहेंगे तो आगे आपको सुविधा मिलेगी। तो आइए देखते हैं चुंबकन क्षेत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा। एच इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट माइनस का आई। दूसरा देखते हैं चुंबकनशीलता क्या होती है। चुंबकनशीलता म्यू बी अपॉन ए चुंबकीय क्षेत्र और ये इंटेंसिटी है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बता दिया। चुंबकीय, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति कायम्स, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी आई अपॉन एच का रेशियो होती है। ठीक है, आई अपॉन एच का रेशियो होती है, कायम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। दूसरा देखते हैं दिक्पात कोण तथा नमन कोण। बेटा इनकी डेफिनेशन बहुत याद कर लो, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दिक्पात कोण और नमन कोण क्या होते हैं, कई बार ये डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। फिर देखिए अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल पांचवा और छठा पोर्शन जो है ये आपको न्यूमेरिकल से डिफाइन करता है, और इसमें का दो नंबर में एक न्यूमेरिकल आपको हर साल के पेपर में मिलेगा, हर साल के पेपर में मिलेगा, देख लीजिए उठा करके। तो ऊर्ध्वाधर घटक वी इज इक्वल टू बी साइन थीटा होता है और क्षैतिज घटक एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा होता है। बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा दोनों को भाग दे दिए तो वी अपॉन एच, बी से बी कट गया, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, वी अपॉन एच निकाल दिया। ये प्रूविंग भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देना है, ऊर्ध्वाधर घटक लिख देना, क्षैतिज घटक लिख देना है, समीकरण एक समीकरण दो इन दोनों को भाग दे दिया तो ये बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो तब ये बन जाता है। तो b इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर अंडर रूट। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए किया जाता है, क्या अगर रिजल्टेंट पूछा जाता है। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं तक निर्भर रहता है कि इन्हीं में ही आपका सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो ये जो पांचवा और छठा है, देखिए एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वीडियो होगी कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उस वीडियो को इंतजार कीजिएगा, आपको एग्जाम से पहले ही मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की जाती है, तो विद्यार्थियों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दो दिए थे उन्होंने। उन्होंने बताया था कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो वहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि हमें यह करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स जैसे जनरेटर को घुमाना पड़ता है। जनरेटर को क्या करते हैं, हम लोग घुमाते हैं, जनरेटर घूमता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ के कारण धारा बहने लगती है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो है वो लेंज का नियम है। फैराडे का ही दूसरा नियम क्या कहलाता है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बताता है कि धारा सदैव उसी दिशा में बहती है या उसी दिशा का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, मतलब ये विद्युत वाहक बल का ही विरोध करती है जो बहने वाली धारा होती है। तो लेंज का नियम यही बताता है कि धारा सदैव उसी का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, वो लेंज का नियम है। स्वप्रेरण गुणांक,
और अन्योन प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक मतलब किसी कुंडली, मतलब एक ही कुंडली है उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, धारा के साथ साथ परिवर्तन होगा, तो उसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा, जिसमें दो कुंडलियां होंगी और एक कुंडली में परिवर्तन हो उसके कारण दूसरे में उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कह देते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जो न्यूमेरिकल में यूज होना है ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए क्या है, सेम है, और इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए। और ये तो लॉन्ग में भी आ सकता है, 4 से 5 मार्क्स के बीच में भी, 4 से 5 मार्क्स के बीच में आ जाता है, क्योंकि सिंपल से एक डेफिनेशन लगा देंगे, चाहे इसकी चाहे और इसकी, जिसकी डेफिनेशन होगी उसी का ही न्यूमेरिकल भी होगा, ये भी कंफर्म है, जिसकी डेफिनेशन होगी उसी का ही न्यूमेरिकल होगा। और फॉर्मूला सेम है, माइनस का ई डी आई अपॉन डी टी, जिसमें डी आई अपॉन डी टी हमें निकालना होता है, ई की वैल्यू पता होती है और एम या एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स जानते हैं किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा बन जाता है, तो बी ए कॉस थीटा लिख दिया गया। ये इन दोनों चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो समझ लीजिए यहाँ से न्यूमेरिकल इसमें आता है, यहाँ न्यूमेरिकल है आपका और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न जो है आपके न्यूमेरिकल, मतलब आंकिक प्रश्न, ये ऊर्ध्वाधर 36 tan थीटा वाला बेटा फॉर्मूला जरूर याद रखना, v अपॉन h क्या, इन दोनों में रेशियो दे देता है, ये बता देगा इसका 1/√3 गुना है या √3 गुना है, दोनों को काट देते हैं आंसर बराबर हो जाता है। और इसमें क्या होगा, बता ही चुका हूं मैं कि डेटा i अपॉन डेटा t की वैल्यू निकालनी होगी, dt की वैल्यू और रख देंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो इन दोनों के न्यूमेरिकल और इधर से दोनों के न्यूमेरिकल, तो यही न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं जो इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। बाकी आप फैराडे का नियम जानते हैं, जो आपको याद करना है, यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति पूछी, नमन कोण दिक्पात कोण, मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर SP लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, फैराडे के नियम पर भी SP लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इनसे तो न्यूमेरिकल आपको लगाना ही है क्योंकि हर साल आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करके बताते रहिए सर और क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए बता दीजिए, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही तो उस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए मेरी ऐसी वीडियो को, बढ़िया से मज़े से इंजॉय करिए, पेपर जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे आपकी तैयारी भी मजबूत होती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था लव इस्ता।